ये कांग्रेस पार्टी ही है जहां ये ससु थरूर इस तरह की बात कर पा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है जहां चहेतों की पसंद होती है। यहाँ शशि थरूर भी लड़ते हैं, यहाँ कोई पाठक भी लड़ता है, कोई त्रिवेदी भी लड़ता है, त्रिपाठी जी भी लड़ते हैं है। ये भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी क्या है? भारतीय जनता पार्टी भारतीय जुमलों की पार्टी। रुको, हर समय बोला नहीं जाता है, कभी कभी चुप रह जाते। नहीं नहीं, कोई लुप्त नहीं हो रही है, जबरदस्ती लुप्त हो रही है, वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ लुप्त हो रही है। जी देखिए, मुझे लगता है जी एक परिक्रमा लगाओ पार्टी है, गांधी परिवार की जो महापरिक्रमा लगाएगा वही आज अध्यक्ष बनने जा रहा है। मैं एक सूची लाया हूँ, लगभग 19 अध्यक्ष अब तक कांग्रेस पार्टी का आजादी के बाद बने हैं, उनमें से 19 अध्यक्षों में से 5 अध्यक्ष जो थे वो 43 ईयर्स अध्यक्ष रहे, ठीक है, पिलानी से जी जी। और आप ये देखिए कि बाकी 32 साल रहे, ठीक है, तो गांधी परिवार से जो थे वो कितने साल रहे? 43 और बाकी 43 साल और बाकी 14। मैंने आपको डिस्टर्ब, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, और देखिए देखिए गांधी मैं आप, अरे यार सर, मैं आप सर, ये सर लोकतंत्र है, मुझे बोलने का अधिकार तो दीजिए। आपके परिवार के अंदर नहीं है, सोनिया जी 22 साल से इनकी पार्टी के अध्यक्ष है, 10 अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अंदर बदल गए पिछले 22 साल के अंदर आज तक। ये सच्चाई है सर, मैं आपकी लिस्ट लेके आया हूँ, आपका जूम करके दिखाइए। उसकी बात बताओ, भारतीय जनता पार्टी में इलेक्शन कब हुआ? इनसे पूछो कब हुआ, मैं तो साल बताता हूँ, 1938। आज जो सुभाष चंद्र बोस का जो मूर्ति लगा है वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और वो चुनाव से जीते। उसके बाद 1950, उसके बाद 1997, फिर 2000 और अब फिर हो रहा है। आप अपनी बताओ, आप तो अभी नड्डा जी का एक्सटेंशन ले रहे हो। सीताराम केसरी जी के साथ क्या व्यवहार किया था? पीवीआर नरसिम्हा राव जी का तो शब्द तक अंदर सोनिया जी ने घुसने नहीं दिया था आपने इनके कांग्रेस के दफ्तर के अंदर। और जहां तक बात है 22 साल से सोनिया जी 97 में बनी, 96 में इनकी सदस्यता मिली, 97 में वो अध्यक्ष बन गए एक ही साल में इटली जाने के बाद। सोचिए इनको जरूरत है, 22 साल हो गए अध्यक्ष। गजब भाई, गजब गजब, आ गए आप, कैसे हैं आप? बढ़िया, कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली से ही। हाँ, आप जनता आ गई पाजी, जब जनता आ जाती तभी भैया जी को मजा आता है, वैसे मजा नहीं आता। राजेश कहते हैं जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, शुरू करिए शुरू करिए, मैं जब तक जनता ना दिखे क्या शुरू करिए। कहाँ से हैं आप? नमस्ते, मैं रांची से हूँ। रांची से? मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ आपकी बहुत बड़ी फैन है, उनको नमस्ते कहिए। कहाँ हस्बैंड? अरे जी नमस्ते साहब, क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार विश्वकर्मा जी। तो आपकी मदर इन लॉ या आपकी मदर? नहीं, मेरी मम्मी। मम्मी, अच्छा तो मदर इन लॉ नहीं कहा आपने? मेरी मदर इन लॉ। मदर इन लॉ से तो अच्छा, आपकी मदर इन लॉ, बहुत अच्छी बात है जी। जनाब कहाँ, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम धीरज है। जी धीरज जी, और मेरा ये कहना है कि कांग्रेस का जन्म ही एक नेहरू गांधी परिवार की बपोती के रूप में हुआ था, क्योंकि महात्मा गांधी ने शुरू में ही कह दिया था कि अगर आपने नेशनल अलग से पार्टी बनानी है आजादी के बाद में तो कांग्रेस नाम ना रखा जाए, आप कुछ भी और नाम रखिए। लेकिन उनका थोड़ा सा नाम बदल के और नाम ही कर दिया, और उसके बाद में ये तो कहते हैं 137 साल पुरानी पार्टी है, तो आप नहीं मानने को तैयार है? वो कहते हैं ना 137 साल पुरानी। कहाँ से लाल शर्ट, कहाँ से आए हो? आगरा से। है? आगरा से। आगरा से? यस। कहाँ से? आगरा। आगरा तीन बार पूछता हूँ मैं, कहाँ से? आगरा से। आगरा से क्या हो? नहीं नहीं कोई बात नहीं, आगरा से आए हो तो मैंने कहा लग रहे हो मुझे तुम। हाँ बस बस बिल्कुल, पेठे की तरह खड़े रहो, अभी आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ जी। जनाब पीस पार्टी, देखिए जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस में लगातार ये चल रहा है अध्यक्ष का और जेपी नड्डा जी के बारे में, कभी उनके मन में ख्याल आया कि ये जनता जो बेरोजगार हो रही है उसके बारे में कभी बात करते हैं? कभी मुद्दों की बात करते हैं? हमेशा ये पकौड़े बिकवाने की बात करते हैं। क्या युवाओं को पकौड़ा बिकवाएंगे भाजपा के? आज तक ये बताइए कौन से बच्चे पकौड़ा बेचते हैं और इनसे बात करते हैं? ये भी तो रोजगार है। अरे तो आप अपने बच्चों को पकौड़ा क्यों ना बिकवाते? हमारे अपने माँ बापों ने क्या हमें इंजीनियरिंग इसलिए कराई है कि हम पकौड़े बेचें? क्या हम एमबीए इसलिए करके कि गली पे जाके हम के आओ पकौड़े खरीदो? क्या ये सीख है हमारे भारत का नागरिक? अब जा, हाजी 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 हाजी, एमबीए आपने किया है इंजीनियरिंग? जी मैंने एमबीए किया सर, एचआर सर। एमबीए किया है? यस सर। हाँ तो मतलब कोई बात नहीं, अगर आपने कहने के पकौड़े के लिए उन्होंने बात कही, मैं आया, मैं उदय जी आप हंस क्यों रहे थे? मैं ये जानना चाहता हूँ सर,
पकोड़ा बनाने की स्थिति भी युवाओं को नहीं मिल रही भाई, जो खाद्य तेल है वो महंगा, रसोई गैस वो महंगा। देखिए मुझे मुझे लगता है आज कांग्रेस पार्टी और इनको जरूरत है, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं युवा अपना नया उद्यम शुरू करें, मुद्रा लोन के तहत युवाओं को कहीं ना कहीं रोजगार देने की बात कर रहा है, आज विश्व के अंदर सबसे बड़ा स्टार्टअप अगर हब बना है तो भारत बन रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के युवाओं के पास, अरे सर मिलते हैं आप, आपके उद्योगपति तो देखिए मैंने आप सर मैंने आपको धैर्य सुना, देखिए सच्चाई यहाँ पर यह है कि आज इनकी मिलीभगत है, आज यहाँ पर सच्चाई यह है कि आज इनके नेता भारत जोड़ो की बात करने में लगे हैं, वही यात्रा निकाल रहे हैं क्योंकि आज इनकी मिलीभगत जहाँ पर है वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। एक मिनट सुन लीजिए, अरे बोलने दीजिए सर, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, वो ट्रेडमिल यात्रा है। हम चले तो यात्रा, वो चले तो ट्रेडमिल यात्रा, है ना भाई? ये कैसी बात हुई जी? आ गए, आइए आइए हुजूरे आली, आइए 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 जनाबे आली, वो चले तो यात्रा और हम चले तो ट्रेडमिल, ये कैसे भाई? ये ट्रेडमिल तो सबको पता है कि अंबानी चल रहे हैं, अडानी चल रहे हैं, सारे चल रहे हैं, तो सबको पता है व्यापार कौन सी सरकार कर रही है, ये व्यापारियों की सरकार कौन सी है, ये तो सबको पता है। बाकी आजकल व्यापारी बड़े नाराज नजर आते हैं, सर्वहारा वर्ग के लोग हैं सारे। हाँ, कौन वाले वर्ग के? यहाँ जो है सर सर्वहारा वर्ग के लोग है, हिंदुस्तान सर्वहारा लोगों से ही चलता है। यहाँ अडानी, ये शब्द रट लिया तुमने आज, सर्वहारा नया शब्द लेके आयो, सर्वहारा बहुत अच्छी बात है। मैं बात करता हूँ, हिंदी शब्द कोश से है, शब्द कोश को मैं आ रहा हूँ जस्ट वेट अ मिनट अवधेश जी। जी देखिए, इस समय आपके दोनों विषय हैं, अभी चर्चा चल रही थी, केएन त्रिपाठी जी भी आउट हो गए, उससे उनका सिग्नेचर नहीं मिला है, कांग्रेस में जो सिग्नेचर विशेषज्ञ थे उन्होंने सिग्नेचर मिलाया है और दो लोग रह गए हैं। लेकिन मेरी चिंता यह है कि हमारे आपके जैसे लोग ये चाहते रहे हैं कि देश में एक राष्ट्रीय चाल चलित्र और चेहरे का पार्टी भाजपा के अतिरिक्त रहना और बने रहना चाहिए, सशक्त रहना चाहिए। आपकी चिंता दूर हमारी, अच्छा मैं बोलूँ, बोल अब ईश्वर करे दूर हो मेरे मुंह में, मेरी चिंता ये है, चेहरा इनका स्पष्ट हो गया, मुखौटा जो था ना वो दूर हो गया, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा और नरेंद्र मोदी जी की सरकार का और स्वयं प्रधानमंत्री का चेहरा, मुखौटा दूर हो गया, क्योंकि ये कहते हैं कुछ है करते हैं कुछ है, लाल किले से जो करते हैं बिल्कुल उसी वक्त इनकी सरकार में व्यक्त हो। 2024 में फिर से मोदी 400 बार, हम व्यक्त हो ठोस नहीं दिल से किया करते हैं, हम जिंदगी ख्वाबों में नहीं हकीकत में जिया करते हैं। क्या नाम है आपका? जी भूपेंद्र सिंह नाम है हमारा। भूपेंद्र जी कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड के। बुंदेलखंड के, मतलब बुंदेलखंड में कहाँ के? बांदा जिला है। बांदा जिला है भाई, बहुत जबरदस्त जिला है, पानी भी उसका बड़ा जब, लेकिन वहाँ पे शायर भी होते हैं बांदा में, शायरी तो हर एक के पास। जना फिर से बढ़िए, क्या बोला आपने? जिंदगी हम ख्वाबों में नहीं जिया करते, हकीकत में जिया करते हैं, अव्यक्त होठों से नहीं दिल से किया करते हैं।